अपंगता को चुनौती देने वाले डॉक्टर जॉनसन, पद्मनाथन अरोरा एवं जेनसी। अपंगता, बीमारी, असमर्थता से संकटग्रस्त, बेकारी का रोना रोने वाले लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। इतना ही नहीं, कुछ तो स्वस्थ शरीर जैसी मजबूत और उपयोगी वस्तु पाकर भी दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। यह लज्जा की बात नहीं तो क्या है? यदि अभावग्रस्त और अपाहिज लोग उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे स्वस्थ नवयुवक बेरोजगारी और असफलता के लिए बेचैन क्यों हों? यदि साहस करें, लगन जगाएं और जहां हैं उसी स्थिति से आगे चल पड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो संसार में समस्या जान पड़ने जैसी कोई परिस्थिति न रहे। परमात्मा की सृष्टि में विवशता को कोई स्थान नहीं। परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रत्येक कठिनाई जीती जा सकती है। एक जन्मजात रोगी गरीब घर में पैदा हुआ, कुरूप, काना, असहाय बालक निश्चित लक्ष्य बनाकर अध्यवसाय पूर्वक उसमें रत रहा। लक्ष्य था अंग्रेजी का शब्दकोश तैयार करना। संभव है कोई आशंका करे कि कोई उनका सचिव या सहयोगी रहा होगा जिसने उसकी सहायता की होगी। ऐसी भी कोई बात नहीं, उनकी पत्नी ही रोटी पानी की जितनी सुविधा देकर सहयोग कर सकी, वही था मात्र सहयोग। कोष तैयार हो जाने के बाद जिन व्यक्तियों ने उन्हें उपेक्षित तिरस्कृत किया था, उन्होंने ही बाद में उनका हार्दिक सम्मान किया। यह सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जॉनसन थे। विद्वानों ने इन्हें सिर पर उठा लिया और वे अंग्रेजी भाषा के अद्वितीय विद्वान मान लिए गए। सरकार ने उनके काम के उपलक्ष में जीवन भर के लिए बहुत बड़ी पेंशन बांध दी। सैमुअल जॉनसन देखते ही देखते नीचे से उठकर शिखर पर पहुंच गए। कोई सामान्य व्यक्ति यदि उन परिस्थितियों में रहता, तो भाग्य या देव का रोना रोते हुए समाज पर भार बनकर रहने के सिवाय कुछ ना कर पाता। वास्तव में साधनों की सुविधा से महान कार्यों का मूल्य कम हो जाता है, जबकि विपरीत परिस्थितियां किसी महान कार्य का मूल्य और भी बढ़ा देती हैं। कोष का जितना महत्व है, जॉनसन के उस धैर्य और अध्यवसाय का भी उतना ही। विलासिता को भोगते रहने वालों का ध्यान जीवन के आदर्श की ओर आकृष्ट नहीं हो पाता। धन की बहुलता के घमंड में अपने आप को बड़ा मान बैठने वालों की नजर ज्ञान संपदा की महानता को समझ नहीं पाती। ऐसे धनी व्यक्तियों से वे साधन सुविधाहीन मानव महान हैं, जिन्होंने संस्कृति के उत्थान हेतु ज्ञान के मोती समाज को अर्पण किए हैं। उनके श्रम और सेवा की गाथा उनके द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों की अमरता सदा ही गाती रहेगी। लाहौर के पद्मराज अरोरा के जन्म से ही हाथों की उंगलियां नहीं थीं। इस अपंग हस्त पुत्र को देखकर अभिभावकों को बड़ी वेदना हुई और उन्होंने लड़के को परिवार पर बोझ समझ लिया। उसके लिए वे सदा चिंतित रहते थे, किंतु इस बाधित पुत्र ने अभिभावकों को अधिक दिनों तक चिंताग्रस्त नहीं रहने दिया। उसने वह करके दिखला दिया जो प्रायः पूर्ण स्वस्थ एवं शुभांगी भी नहीं कर सकते।
उसने केवल एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में अपने पुरुषार्थ की उल्लेखनीय छाप छोड़कर दिखला दिया कि परमात्मा ने इतना कुछ दिया है कि बाधाओं से भी शिक्षा लेकर कार्यालय और अखाड़े से लेकर खेल के मैदान तक में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। अबोधावस्था तक तो वह खेलता कूदता मस्ती करता रहा, किंतु चेत आते ही उसने जाना कि प्रकृति ने उसके साथ मखौल ही नहीं अन्याय भी किया है। अपने जैसे हस्तहीन भिखारियों एवं बेकारों को देखकर वह और भी खिन्न हो जाता और सोचता रहता कि क्या इनके समान ही मेरे जीवन को व्यर्थ बनाने के लिए ही प्रकृति ने मेरे दोनों पहुँचे छीन लिए हैं। मनोभावों की धारा में मोड़ आया और जीवन परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय पुरुषार्थ तथा प्रयत्न की महत्ता स्थापित करने और लोगों के सम्मुख यह उदाहरण रखने कि शारीरिक अपंगता प्रगति में बाधक नहीं बन सकती, वे उसी दिशा में बढ़ने लगे। मनुष्य में कुछ कर दिखाने की सच्ची लगन हो तो परिस्थितियां बाधक नहीं हो सकती, नहीं तो मृत इच्छा और लगन तथा निश्चय से रहित मन वाले तो क्या दो हाथ क्या चार हाथ होने पर भी कुछ नहीं कर सकते। विचार ठीक होते ही श्री पद्मराज अरोरा की शक्तियां भी अनुकूल हो उठी और उनकी उन्मुखता आप से आप सही दिशा में झांकने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में बीकॉम एवं वकालत की पढ़ाई एक साथ उत्तीर्ण की। एक समय में दोहरे कार्य में समय का उपयोग करने का अर्थ है शीघ्र ही लक्ष्य के समीप पहुंचना। उल्लेखनीय बात और भी है कि उनकी उंगलियां ना रहने पर भी वे अक्षरों को छाप कर रख देने जैसे सुंदर सुलेख को केवल हथेली से दबाकर ही लिखते थे। शारीरिक निर्बलता के कारण श्री पद्मराज अरोरा शारीरिक कार्यों में प्राय दूसरों से पीछे रह जाते थे। प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ अरोरा जी ने शारीरिक निर्बलता रहने पर भी शारीरिक कार्यों में दूसरों के आगे बढ़ने का विचार किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संयम नियम के साथ नियमित व्यायाम का प्रण भी प्रारंभ किया। प्रगति का अभिलाषी उद्योगी पुरुष जिस क्षेत्र में भी पदार्पण करता है अपना स्थान बना ही लेता है। श्री अरोरा को प्रारंभ में कुछ सफलताएं मिली। प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहन मिलता रहता और उन्होंने प्रांतीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पाया। केवल कुश्ती ही नहीं, खेल के मैदान में हॉकी एवं फुटबॉल में भी विश्वविद्यालय के चैंपियन बने। यह होता है एक सच्चे मनुष्य तथा पुरुषार्थी का लक्षण। ऐसे लोग ही तो समाज की शोभा और देश का गौरव बनते हैं। साधारण परिस्थितियों में भी उच्च मनोबल और साहस वाले लोग बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थी को न बाधाएं रोकती हैं और न दुर्भाग्य उनका बुरा कर सकता है। मनुष्य कठिनाई में ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य का साहस न छूटे और आशा न टूटे तो संसार इतना बड़ा है कि खोजने पर उसमें कठिनाइयों के निवारण के योग्य उपाय कहीं न कहीं से उपलब्ध हो ही जाते हैं। अनेकों उत्कृष्ट सफलताएं
ऐसे ही साहसी और उद्यमी मनोबल वाले व्यक्तियों ने पाई है। देव या भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को आज तक कहीं भी सफलता नहीं मिली। सफलता तो साहसी और पुरुषार्थी की दासी है, अकर्मण्यों को वह क्यों वरण करने लगी। बुडापेस्ट में 13 वर्ष की उम्र तक सुजेंसी लकवे का शिकार था। जो चिकित्सा करा सकते थे अभिभावकों ने व्यवस्था की, परिणाम कुछ न हुआ। बालक के भावी जीवन के लिए माता पिता का चिंतित होना ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक ही था, किंतु बालक के मन में आशा उत्साह और प्रयत्न की लहरें हिलोरे ले रही थी। कहीं उसने पढ़ा कि जल चिकित्सा से लकवे की बीमारी दूर हो सकती है, फिर क्या था उसने जल विहार आरंभ किया और आनंद भी लेता रहा। घंटों पानी में तैरता रहता, फिर वाटर पोलो खेलने लगा और उसके बाद मीलों तैरने वाला तैराक बना। 1962 में जेंसी ने तिरजा नदी पर तैराकी का विश्व रिकॉर्ड जीता। इसके पूर्व कई छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भी सम्मिलित होता रहा, जिससे अभ्यास बढ़ता रहा। 41 घंटे 40 मिनट में 230 किलोमीटर की दूरी तैरकर लोगों को आश्चर्यचकित कर तैराकी में आदर सम्मान का पात्र बना। सफलता उसने अचानक ही नहीं, निरंतर अभ्यास से प्राप्त की थी। पिछले अभ्यासों में जब भी उच्च सफलता मिली, उनसे अहंकार में नहीं डूबा, क्योंकि वह जानता था कि स्वल्प सफलता में डूब जाना अपनी सफलता का मार्ग अवरुद्ध करना है। साथ ही हर सफलता ने उसे नया उत्साह और नई प्रेरणा भी दी। मनोबल के धनी भाग 2, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।